हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपका उत्तराखंड पॉलिटेक्निक का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया गया है, तो आप कहाँ पे जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे, उसमें google.com ओपन करेंगे, उसमें टाइप करेंगे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक 2022 IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जिस पे आपको उत्तराखंड पॉलिटेक्निक की कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आएंगे तो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो सर्च करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं iaspaper.net उत्तराखंड पॉलिटेक्निक 2022 एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसी लिंक पे आपको क्लिक करना है, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक 2022 एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इस फॉर्म को फिल कर लेना है। यहाँ अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, करेंट स्टेट, करेंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हैजेस क्वालिफिकेशन, गेट फिर कौन से पर क्लिक करना है। इससे आपके ईमेल आईडी और आपके कॉन्टेक्ट नंबर के जो उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आएंगे तो आपको फ्री ऑफ कोर्स एसमिस कर दिए जाएंगे। तो इसलिए तो इस फॉर्म को आप ज़रूर फिल कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं उत्तराखंड पॉलिटेक्निक JEE 2022 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन रिलीज ऑन 20 जनवरी 2022। तो आज ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर किया गया है। तो आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ पर आपका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फिल करके यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ, इस पर क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे आपका आ गया पर्सनल डिटेल्स, मतलब व्यक्तिगत विवरण यहाँ पे आपको देना है। अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी आपकी कौन सी है वो फिल कर लेनी है। तो और यहाँ पे इंडियन है आदर्श, यहाँ पे आपको कैटेगरी क्या है वो फिल कर लेनी है, और यहाँ पे सब कैटेगरी क्या है वो फिल कर लेनी है, और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आपने क्या क्वालिफाई किया है, हाई स्कूल तो हाई स्कूल फिल कर लेना है। यहाँ पे व्यू क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अपेयर्ड, तो आप अभी कर रहे हैं या पास्ट हैं तो वो फिल कर लेना है। अगर आप कर रहे हैं अभी तक तो अपेयर्ड डालिए, अगर आपने पास कर लिया है तो पास डालिए। एग्जामिनेशन सेंटर सिटी नेम, मतलब आप किस सिटी में आप अपना सेंटर चाहते हैं, किस सिटी में आप अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो फर्स्ट सिटी का नेम यहाँ पे, सेकंड सिटी का नेम यहाँ पे, और यहाँ पे आधार नंबर, एड्रेस डिटेल्स आपको देने हैं यहाँ पे, मतलब आपको अपना एड्रेस, यहाँ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, और यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस देना है। तो अगर आपके पास एक ही एड्रेस है तो इस पर टिक करके वही फिल कर लीजिए वापस से। अगर आपके पास दो एड्रेस है तो यहाँ आप फिल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी और यहाँ पे फिर रिएंटर ईमेल आईडी, पासवर्ड यहाँ फिल कर लेना है, वापस से यहाँ से पासवर्ड फिल कर लेना है। यहाँ पे दिया हुआ है पासवर्ड में किस किस अंक का आपको प्रयोग करना है, तो स्पेस का, 8 to 12 कैरेक्टर्स का उपयोग करना है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे जो इमेज दिए गए हैं उसको यहाँ पे फिल कर लेना है, ये चेंज होता रहता है आपके, आप जब फिल करने लगेंगे जो इमेज में रहेगा उसको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिर रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करना है, तो क्लिक हियर पे मैंने क्लिक किया, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। तो अब आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो अब आपको पेमेंट कर लेना है। क्लिक हियर टू मेक ऑनलाइन पेमेंट, तो ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है, कितना, 800 रुपीज़ आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो आप किसी भी नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, जैसे पेमेंट हो गया और पेटीएम हो गया, वॉलेट हो गया, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।